रोहित शर्मा से है, इनकी बैटिंग में भी वही रोल्स रॉयस वाला सिल्की टच है, एलिगेंस ग्रेस। आज रोहित शर्मा ने इस विकेट पे मुश्किल वक्त में, पहले वो अपने स्टाइल से शुरू हुए लेकिन बाद में जो उन्होंने गेम की है ना यार, ये चीज मैं भूखता होता हूँ इधर बैठ के, बाबर आजम क्यों नहीं इस तरह करता। सुबह सुबह 33 के ऊपर 3 आउट हो गए तो पूरा इंडिया उसको शॉक के अंदर चला गया था कि हुआ तो हुआ क्या, लेकिन कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बाल की क्लासी हिटिंग, क्या कमाल की, जिसको आप कहते हैं सीमलेस हिटिंग, बगैर पावर के, जिसको आप कहते हैं कि क्लास के साथ जो आज हिटिंग की है। बड़ा टेक्निकल विकेट था भैया, बहुत बड़ा स्किलफुल विकेट था और रोहित शर्मा ने बताया कि स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। सो यार, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जिसमें टीम इंडिया के 3 विकेट बड़ी जल्दी गिर गए, जयसवाल, गिल और पादिकर। उसके बाद फिर टीम इंडिया के 2 सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा और जडेजा ने पारी को संभाला और दोनों ने एक बेहतरीन पारी खेली और टीम इंडिया को एक मुसीबत से निकाला, जहां एक टाइम लग रहा था भाई ये आज ही ना सिमट जाए टीम इंडिया, और फिर वहीं पे रोहित शर्मा ने जिम्मेदारी निभाते हुए एक बेहतरीन शतक लगाया और अपने हेटर्स का मुंह भी बंद करा। उसने बताया कि क्यों मुझे हिटमैन कहा जाता है, इस टीम में विराट कोहली नहीं है, उसके बाद रोहित शर्मा ही ऐसे प्लेयर है जो बैटिंग में जो लीड कर सकते हैं सभी को, और उन्होंने करा भी आज जडेजा के साथ और बेहतरीन पार्टनरशिप निभाए। उसके बाद सबसे खास प्लेयर डेब्यूटेंट सरफराज खान आते हैं और आते ही धमाल बचा देते, इंग्लैंड के बॉलर की ऐसी कुटाई करते हैं, 48 बॉल में 50 ठोक दी उन्होंने आज। जिस तरह से स्पिनर को खेल रहे थे वो और जिस तरह से फेसर को खेल रहे थे, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि डेब्यूटेंट प्लेयर है, ऐसा लग रहा है इसे 50 मैच का एक्सपीरियंस है, खुल के खेल रहे और टेक्निकली खेल रहे थे पूरा। बट रविंद्र जडेजा ने उन्हें लास्ट में रन आउट करा दिया, ये बहुत बुरा लगा सबों को। रविंद्र जडेजा जब भी शतक के पास आते हैं अटक जाते हैं, रन ही नहीं बनते उनसे, पर रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी पारी खेली आज, अभी भी नॉट आउट है और जहां टीम इंडिया 326 में 5 विकेट है, 152 रन की पार्टनरशिप है, 92 रन का सेशन है, 27 ओवरों में आया है, मार्क वुड को 12 ओवरों में 49 रन पड़ चुके हैं। रोहित हिटमैन शर्मा, यस ही इज वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट, पर फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। शानदार सेशन है, जानदार सेशन है फ्रॉम अ वेरी वेरी ऑकवर्ड पोजीशन, 33/3। गिव क्रेडिट टू मिस्टर जय शाह, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, BCCI, बिकॉज ही डिड अ मास्टर स्ट्रोक यस्टरडे बाय मेकिंग इट लाउड एंड क्लियर। ही अनाउंस दैट मिस्टर रोहित शर्मा विल लीड टीम इंडिया इन द वर्ल्ड T20 और इंडिया का झंडा गाड़ेंगे, एंड ही प्रॉमिस कि रोहित की कप्तानी में हम जीत देंगे। अब आप कहेंगे यार क्या बात कर रहे हैं, इसका इससे क्या ताल्लुक है, बहुत बड़ा ताल्लुक है। जो बहुत मेरा ख्याल है आप उनको जवाब मिल गया होगा कि रोहित शर्मा कब स्कोर करेगा। बहुत हो गई, आई फील लाइक दैट टुडे वाज द डे, बिकॉज 33/3 एंड चिप्स वर बैडली डाउन ना, तो आपके कप्तान ने दिखा दिया कि इज नॉट डन एंड डस्टेड। बाल की क्लासी हिटिंग, क्या कमाल की, जिसको आप कहते हैं सीमलेस हिटिंग, बगैर पावर के, जिसको आप कहते हैं कि क्लास के साथ जो आज हिटिंग की है रोहित शर्मा ने, दिल खुश कर दिए हैं। और ये है भाई गेम चेंजर, मैच विनर, जिस दिन रोहित शर्मा का बल्ला चलता है ना सर, तो वो अपने ओन पे मैच जितवाता है। रोहित शर्मा जिस दिन अपने रिदम में हो, अपनी फॉर्म में हो, तो कोई इवन भारतीय बल्लेबाज भी कोई उसका कंपैरिजन नहीं आप कर सकते किसी से, कोई उसके मुकाबले आ नहीं सकता दूर दूर तक। देखिए जो हमारा विराट कोहली है, उसका अपना एक रुतबा है, अपना एक मुकाम है, अपनी एक क्लास है, वो एक अलग से किंग कोहली है, लेकिन भाई जो ये बंदा है ना, वो दुनिया में एक ही है, रोहित शर्मा दुनिया में एक ही है। और रोहित शर्मा जब क्रिकेट छोड़ेगा तो हमेशा रोहित शर्मा एक ही रहेगा, क्योंकि जो कुछ उसने क्रिकेट के लिए किया है ना, और खास तौर पे इंडियन क्रिकेट के लिए किया, मैं कहता हूं अमेजिंग। अश्विन हो गए, जडेजा हो गए, रोहित हो गए, कोहली हो गए, ये सच्ची में ये कोहिनूर के पीसेस है, और इनको एक साथ मिला दो तो कोहिनूर बन जाता होता है पूरा का पूरा। ये वो है कि आप देखेंगे बॉलिंग में शानदार, बैटिंग में शानदार, फील्डिंग में शानदार, रविंद्र जडेजा तो एक कॉम्बो मिल गया हुआ, इंडिया को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला हुआ है। आप देखें ना, रीढ़ की हड्डी बल के खड़ा हुआ जडेजा ऐसी विकेट मल के खड़ा होता है कि उसको कोई आउट ही नहीं कर सकता। रोहित शर्मा का जितना साथ रविंद्र जडेजा ने दिया इस इनिंग के अंदर, उतना कोई नहीं दे सकता था। आप अब जरा इसका मुताला किया जाए ना, इस इनिंग का, रोहित शर्मा ने जो इनिंग खेली वो तो बड़ी शानदार थी, आउट क्लास थी, थोड़ी लकी भी रहे, जिसको कहते हैं किस्मत ने भी साथ दिया, और जो किस्मत ने साथ दिया उसको उन्होंने वेल एग्जीक्यूट किया है। वो इंडिया का खिलाड़ी जो कि डोमेस्टिक में बार बार बीसीसीआई के दरवाजे बजा बजा के ये कह रहा था कि मुझे टीम के अंदर शामिल करो, उसको टीम में शामिल नहीं किया जा रहा था। वो सरफराज खान जब आज अपनी टेस्ट कैप लेता है तो उसके फादर साथ खड़े होते हैं, पीछे खड़े होते हैं, और उनकी आंखों में जो आंसू थे ना, वो आंसू जिसको कहते हैं ना, सब कुछ बयान कर सकते हैं।